गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज़ मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉबिनीतू ब्लॉग्स। तो आज है बुधवार और अभी सुबह के 10:30-11 ऐसे कुछ हो रहे होंगे, मैंने टाइम नहीं देखा एग्जैक्टली। तो अभी बस ये नाश्ता करके गए हैं और पोहे बनाए थे नाश्ते में और दलिया रिली होता ही है तो पोहे मुझे इतने पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े से पोहे ले लिए थे कि मैं पोहे खा लूँगी, क्योंकि खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या सब्ज़ी बनाऊँ। कल मेरे को कमेंट आया था कि मैं गट्टे की, राजस्थानी गट्टे की सब्ज़ी बनाना बताऊं, तो सोच रही हूँ आज मैं गट्टे की सब्ज़ी ही बना लेती हूँ, तो मैं गट्टे की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मैं आ गई हूँ किचन में और बनाने जा रही हूँ राजस्थानी गट्टे की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने एक बेसन लिया है, बेसन थोड़े से बेसन में ही काफ़ी गट्टे बन जाते हैं। तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ मसाले, मसालों में मैंने डाला है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ज़्यादा सा डालेंगे और उसके बाद में डालेंगे अजवाइन। अजवाइन और बेसन का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है और कई लोगों को क्या होता है कि बेसन जो होता है वो नुकसान करता है, गर्मी करता है अंदर जा कर के, तो इसलिए अजवाइन डाल लो तो वो नुकसान नहीं करता है। साथ ही इसके अंदर मैंने डाला है जीरा, तो आप चाहें तो जीरा अवॉइड भी कर सकते हैं और आप चाहें तो डाल भी सकते हैं। साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे कस्तूरी मेथी, तो कस्तूरी मेथी का जो स्वाद, खुशबू और स्वाद है वो गट्टे की सब्ज़ी में काफ़ी अच्छा आता है, तो आप कस्तूरी मेथी को अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा दही डाल रही हूँ, अगर आपके पास दही नहीं है तो आप मीठा सोडा भी डाल सकते हो। ये दही डालने से ये होता है कि गट्टे जो होते हैं ना वो सॉफ्ट बनते हैं और साथ ही बेसन जो होता है वो गर्मी करता है, नुकसान पहुँचाता है, तो दही डालने से क्या होता है कि वो हमें नुकसान नहीं करेगा। साथ ही हम इसके अंदर मोयन डालेंगे, मोयन हमें अच्छा सा डालना है ताकि जो गट्टे हैं वो एकदम सॉफ्ट बने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गट्टे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और फिर वो खाए नहीं जाते हैं, तोड़े नहीं जा, टूटते नहीं हैं, वो एकदम ऐसे होने चाहिए कि ईजीली टूट जाए। तो यहाँ पे जो भी सारा मैंने सामान डाला है उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे सबको, क्योंकि मोयन डाला है, दही डाला है, तो वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद में मैं इसके अंदर थोड़ा सा मोयन और डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसके अंदर मोयन अच्छा सा डालना है। और उसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर के और इसको गूंथ लेंगे। इसके लिए जो पानी है बिल्कुल थोड़ा सा पानी चाहिए होता है, क्योंकि थोड़े से पानी में ही बेसन अच्छे से घुल जाता, गूंथ जाता है। और थोड़ा इसको पतला ही रखेंगे, इसे ज़्यादा टाइट नहीं गूंथेंगे, रोटी का आटा होता है ना इस टाइप का गूंथेंगे, पूरी के आटे के जैसे नहीं गूंथेंगे, क्योंकि वरना जो गट्टे होते हैं ना वो सख्त बनेंगे, टाइट बनेंगे। तो टाइट ना बने इसके लिए ज़रूरी है कि आप मोयन डालें, साथ ही दही डालें, दही नहीं तो मीठा सोडा डालें, और जो आटा गूंथ रहे हैं वो थोड़ा सा पतला गूंथें, रोटी के आटे के जैसा, टाइट ना गूंथें, नहीं तो ना जो गट्टे होते हैं वो बनते हैं टाइट। तो यहाँ पर जो है मैं इसको गूंथ लूँगी, तो मैं नमक डालना भूल गई थी, सॉरी। तो मैं अब मुझे एकदम से याद आया तो मैं नमक डाल रही हूँ उसके अंदर, और मेरे साथ ये काफ़ी बार हो जाता है कि मैं सब्ज़ी में नमक डालना भूल जाती हूँ। एक बार और मैं डालना भूल गई थी और किसी ने मुझे बोला भी था कमेंट करके कि आपने नमक नहीं डाला, और रियलिटी में भी मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है कि मैं नमक डालना भूल जाती हूँ। तो जो है मुझे अभी अच्छा हुआ याद आ गया। वैसे कोई बात नहीं, अगर याद नहीं भी आता तब भी जो सब्ज़ी होती है ना उस टाइम पर अच्छा डाल लो तो वो हो जाता, लेकिन यही होता है कि ना उबालते समय डाल लो ना तो गट्टों में भी थोड़ा नमक का स्वाद आ जाता है तो अच्छे बनते हैं। तो ये इस तरह से हमें बना लेना है और उसके बाद में हम छोटी छोटी सी लोइयां तोड़ लेंगे। और इन लोइयों को इस तरह से बेल लेंगे, सिलेंडर की शेप दे देंगे ऐसे, जैसे बेलन होता है ना इस टाइप से हम बेल ऐसे करके और रख लेंगे। और इन सबको हमको गर्म पानी होता है ना, उबलता हुआ पानी, एक बार जिसके अंदर उबाल आ जाता है उस पानी के अंदर डालेंगे, ऐसे ठंडे पानी के अंदर नहीं डालेंगे। ठंडे पानी के अंदर अगर हम डालेंगे तो ये पानी के अंदर घुल जाएंगे, लेकिन अगर हम गर्म पानी में डालेंगे तो ये घुलेंगे नहीं। तो इस तरह से मैं ये सारे बना लूँगी और उसके बाद में इन्हें उबाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है, और जब पानी उबल जाएगा, इसके अंदर उबाल आ जाएगा, उस टाइम पर मैं इसके अंदर गट्टे डालूंगी। तब तक मैं मिक्सी वगैरह निकाल रही हूँ ताकि मैं इसका जो पेस्ट है वो तैयार कर लूँ इसके अंदर डालने के लिए, ग्रेवी बनाने के लिए। तो मैंने मिक्सी निकाली और उसके जार को धोया, इतनी देर में पानी हो गया। पानी के अंदर उबाल आने के बाद ही गट्टों को डालना है, ठंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं डालना है वरना पानी में घुल जाएंगे। तो ये इस तरह से डाल देंगे, और डालने जब हम इनको डालेंगे तो ये
पानी के अंदर बैठ जाएंगे, लेकिन जब ये हो जाएंगे, पक जाएंगे, तो ये पानी के ऊपर आ जाएंगे। इसलिए इनको हम उबलने देंगे ढक करके। यहाँ पर हम मसाले की तैयारी कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे, जिसके अंदर हम प्याज डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे। मेरे पास अदरक नहीं है, अगर आपके पास अदरक हो तो आप अदरक भी डालिए, लहसुन है तो लहसुन भी डालिए, लेकिन मेरे पास जो है अदरक नहीं है, लहसुन भी नहीं है, तो मैं ये नहीं डाल रही हूँ। मैं प्याज और हरी मिर्ची डाल रही हूँ और इसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। मैं थोड़ा सा पानी डाला है और बस इसको मैं पीस लूँगी। तो गट्टे की सब्ज़ी एक इस तरह से बनती है और एक ऐसा बनती है जिसके अंदर इस तरह से ग्रेवी वगैरह नहीं बनाते हैं, नॉर्मली सब्जी को छोक देते हैं, और एक होती है ये ग्रेवी वाली। तो मैं ये ग्रेवी वाली सब्जी बनाना आपको बता रही हूँ। जो नॉर्मल होती है, जो यूं ही जल्दी से छूक जाती है, वो दूसरे तरीके से बनती है। उसके अंदर ये प्याज वगैरह नहीं डलता है, सिंपल बनती है, और ये जो है ग्रेवी वाली है। तो पेस्ट जो है पीस करके तैयार हो गया है। यहाँ पर ये मैंने दही लिया है। हम इसका जो है मसाला तैयार कर लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी पाउडर। हम यहाँ नीचे ही इन सबको डाल देंगे मसालों को। इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, आप धनिया पाउडर को चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर डाला है, और इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दही के साथ में इनको फूलने देंगे मसालों को। और जब हम ना प्याज भून लेंगे, उसके बाद में हम इसको डालेंगे, मतलब कि हम डायरेक्ट मसालों को नहीं डालेंगे। और अगर आप दही नहीं डाल रहे हैं, टमाटर डाल रहे हैं, अगर आपके पास दही नहीं है तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि जो बेसन होता है वो बहुत ज़्यादा गर्मी करता है, इसलिए अगर आप दही डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं। और टमाटर डालें तो मसाले आप डायरेक्ट डालें कढ़ाई में। तो जो हमारे गट्टे थे वो भी हो गए हैं पानी में, आपने देखा कि सरफेस में बैठे हुए थे, लेकिन अब ये ऊपर की साइड आ गए हैं। और इनको मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ कि कितने बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बने हैं। और धीरे धीरे एक एक को चिमटे की हेल्प से उठा करके हम निकालेंगे बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से, वरना ये टूट भी सकते हैं। और मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ कि देखिए कितनी ईजीली ये कट हो रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट बने। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके गट्टे कभी भी टाइट नहीं बनेंगे, क्योंकि कई लोगों के गट्टे होते हैं ना, वो टाइट बनते हैं। और चिमटे से उठा करके हम सारे प्लेट में निकाल लेंगे। देखो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है ये, और बन गया है ये। देखने के लिए आप चक्कू पे देख लीजिए, कहीं पर भी अगर चक्कू जो है क्लीन निकलता है तो समझिए कि हो चुके हैं। और इनको हम पानी में ही रहने देंगे, जब सब्जी में डालेंगे तभी निकालेंगे, वरना बाहर हवा लगने से भी ये टाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया है और उसके अंदर ऑयल भी डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद में इसके अंदर हम डालेंगे जीरा और हींग। तो गट्टे की सब्ज़ी जब भी बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम गट्टे की जो बनते हैं वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे और गट्टे की सब्ज़ी एकदम परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर मैंने जीरा डाला है और साथ में डाली है थोड़ी सी हींग। तो आप बेसन की सब्ज़ी में हींग ज़रूर से डालिए, क्योंकि ये बेसन जो होता है ना, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर देता है, और हींग से वो सही रहता है। यहाँ पर मैंने जो प्याज पीसा था उसे मैंने डाल दिया है, और बस अब इस प्याज को अच्छे से भून लेंगे। तो प्याज मेरी यहाँ पे भुन रही है, और यहाँ पर मैं गट्टों को निकाल के और कट कर लूँगी, और क्योंकि फिर सब्जी में डालेंगे तो उस समय हमें एकदम तैयार मिलनी चाहिए, अगली स्टेप के लिए हम तैयार रहें, ऐसे रहना चाहिए। जब भी सब्जी बनाती हूँ मैं, तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि अगली स्टेप जो भी मेरी होने वाली है उसके लिए मैं हमेशा पहले से ही प्रिपेयर रहती हूँ। तो इन गट्टों को मैंने काट लिया है, और काटने के बाद में इसके ऊपर मैं वापस से पानी डाल दूँगी, क्योंकि वरना ये टाइट हो जाएंगे। इसलिए तो आप देख पा रहे हो कि प्याज अच्छे से भून गए हैं। प्याज को अच्छे से भून लेना है, बिल्कुल भी कच्चा ना रहे, क्योंकि भुनाई जो होती है ग्रेवी वाली सब्जी में इम्पोर्टेंट होती है सबसे ज़्यादा। और उसके बाद में जो मैंने दही तैयार किया था मसाले के साथ में, उसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छे से इसको कलछी की हेल्प से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मैंने फेंटा नहीं था। आप चाहें तो नीचे ही फेंट लीजिए, वैसे
ना, और या फिर ना आप इस तरह से कढ़ाई के अंदर भी फट सकते हैं। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि दही जो होता है वो सब्ज़ी में जाकर फट जाता है, तो कोई बात नहीं, अगर फटता है तो कोई बात नहीं है, सब्ज़ी लेकिन आपकी एकदम परफेक्ट बनेगी। और यहाँ पर जो है जो तरी है वो ऊपर आने लग गई है, आप देख पा रहे हो। तो जब अच्छे से तेल जो है वो ऊपर आने लग जाए उस टाइम पर हम इसके अंदर गट्टे डाल देंगे, और गट्टे डालने के बाद में 2 से 5 मिनट इसको इसके अंदर कुक कर लेंगे, क्योंकि गट्टे वैसे तो पक गए हैं पानी के अंदर, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर भी पका लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने गट्टे भी डाल दिए हैं जब मसाला जो है वो अच्छे से कुक हो गया उसके बाद में। और अब इसके बाद में जो अगली स्टेप है उसके अंदर जो पानी था इस पानी को हम इसके अंदर डालेंगे। तो आपको ग्रेवी किस तरह से रखनी है, पतली रखनी है, गाढ़ी रखनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग तो जो है बिल्कुल पतली करके ही रखते हैं, क्योंकि गट्टे जो होते हैं ना वो इसका जो पानी होता है ना वही सबसे बेस्ट लगता है हम लोगों को तो, गट्टों से भी ज़्यादा। तो जब हम छोटे थे ना तो हम इन गट्टों को तो है ना ऐसे ही रूखे खा लेते थे, और जो ग्रेवी होती थी ना उससे हम रोटी खाया करते थे। तो स्टार्टिंग से ही हमें जो इसका पानी होता है ना जो वो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ी पतली ही रखूँगी। आप चाहें तो इसको गाढ़ी भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो पतली भी रख सकते हैं मेरी तरह। तो यहाँ पर जो सब्जी है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो ऊपर से धनिया डाल सकते हैं, कस्तूरी मेथी डाल सकते हैं, सब्जी का मसाला डाला है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा, और गरम मसाला भी डाला। तो ये जो मेरी सब्जी है वो तैयार हो गई है, बस मैं इसे पलट लूँगी छोटे पैन के अंदर। मुझे कमेंट आया था कि मैं इसी पैन के अंदर सारी सब्जी क्यों बनाती हूँ। मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि अगर मैं इसमें नहीं बनाऊँगी तब भी मैं पलट कर फिर इसमें ही रखती हूँ, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं इसी में ही बना लूँ, बर्तन कम होंगे तो मैं इसलिए इसके अंदर बना लेती हूँ, ऐसा और कुछ भी नहीं है। गट्टे की सब्जी जो है वो तैयार हो चुकी है, मैंने दही के साथ बनाई है। और अगर आप टमाटर के साथ बनाएंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा, और आप दही के साथ बनाएंगे तो बिल्कुल अलग होगा। मतलब कि आप जो है इनके अंदर थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो कभी इस तरह से बना लीजिए, कभी टमाटर डाल के बना लीजिए। सब्जी मेरी बन गई है और आटा भी मैंने लगा लिया है। अब मैं बस बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ, मैंने प्लेटफॉर्म जो है वो साफ़ कर लिया है। तो मैं यहाँ पर ये बर्तन को, जो बर्तन रखने की मेरी बास्केट है उसको भी आज मैंने धो दिया है। मैं डेली सा नहीं धोती हूँ, लेकिन फिर भी मैं हफ्ते में दो बार कई बार एक बार ऐसे धो देती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि अब मुझे धो लेना चाहिए उस समय मैं इनको धो। तो मुझे जब भी लगता है कि मुझे धो लेना चाहिए तो मैं उस समय धो लेती हूँ, अपने आप ही लगने लग जाता है। और आसपास की टाइल तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, यहाँ पर मैंने नल वगैरह भी साफ़। तो किचन का काम मेरा कंप्लीट हो गया है, मैंने सब्जी बना ली है गट्टे की, और साथ ही मैं एक रायता भी बनाऊंगी। तो मैंने जो बथुआ है उसे उबालने के लिए रख दिया है, और साथ ही आटा मैंने लगा लिया है। बर्तन वगैरह मेरे साफ़ हो गए हैं, किचन को एकदम क्लीन करके और फिर ही मैं छोड़ती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं जैसे बर्तन पड़े हैं तो मैं आ गई हूँ इधर की साइड या कुछ, अगर हाँ ऐसा लगता है कि कहीं कोई आने वाला है तो फिर मैं बर्तनों को छोड़ देती हूँ, जो काम पहले इम्पोर्टेंट होता है वो करती हूँ। लेकिन अगर मेरे को खुद को ही ऐसे कुछ वो नहीं है कि कोई आने वाला है या कोई ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं है, तो मैं सबसे पहले किचन को ही समेटती हूँ, और उसके बाद में लिविंग जो एरिया है मेरा इधर की साइड उसको मैं साफ़ करती हूँ। तो जो सोफे के कवर वगैरह है वो एक बार मैं रात को झड़का लेती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम फिर एक बार और मैं झड़का लेती हूँ। हर्षित के आने से पहले पहले मैं ये सारे काम करती हूँ, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी से एलर्जी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रखना पड़ता है ताकि उसको जुकाम वगैरह नहीं हो जाए, वरना वो छींकने लगता है धूल मिट्टी देख करके। और यहाँ पर मुझे हाथ के लिए कोई कवर नहीं दिख रहे थे, आप लोग बोल रहे थे कि मैं टॉवल डाल लूँ, तो मैंने यहाँ पर जो मेरे पहले वाले सोफे के कवर थे ना उसको ही डाल दिया है अभी हाल फिलहाल, क्योंकि बच्चे वरना इसके ऊपर चढ़ते हैं पैर गंदे लेकर के तो वो ख़राब हो जाएंगे और फिर अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए। तो बस एक बार मैंने झड़काने के बाद में और मैं झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि मिट्टी हो ही जाती है चाहे कितना भी कर लो, और फिर बाहर से खुला है ना तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाती है मिट्टियाँ। तो यहाँ पर मैंने जो झाड़ू है उसको मैं लगा रही हूँ।
धूप बिस्तर वगैरह है, और रूम की क्लीनिंग तो मैं उस टाइम पर कर लेती हूँ जब ये उठ करके जाते हैं ब्रश वगैरह करने के लिए, तो उस टाइम पर मैं बिस्तर उठा देती हूँ, बेडशीट वगैरह झड़कार देती हूँ, और फिर उसके बाद में नाश्ते की तैयारी करने लग जाती हूँ, और फिर इनके आते ही नाश्ता दे देती हूँ, और उसके बाद में फिर मैं किचन में खाने की तैयारी करती हूँ। खाने की तैयारी कर लेने के बाद में बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर लिविंग रूम की सफाई कर लेती हूँ। इस तरह से मैं अपने काम को समेटती हूँ। और अब बस मैं इस वीडियो को भी यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय माता दी।